Hi, this is Smita Vyas Kumar, and I am calling from Fairyland, where I have just come from. मैं देख के आई हूँ अब मूवी कलाकांडी, जिसमें सैफ अली खान की कैरेक्टर जो होती है, ही इज़ ऑन अ ह्यूज ड्रग ट्रिप एंड ही हैज़ सो मच फन. वेल, वी डोंट हैव दैट मच फन इन द मूवी, लेकिन फिर भी कलाकांडी मैं आपको पहले बता दूँ. कलाकांडी का मीनिंग इन मराठी स्लैंग इज समथिंग थिंग्स दैट गो डिजास्ट्रसली रॉन्ग. ये मुझे पता नहीं, जो कि मैं मराठी मूल की हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं था. मुझे सैफ ने बताया एक इंटरव्यू में कि दिस मीन्स इज गॉन डिजास्ट्रसली रॉन्ग. एंड येस, अ लॉट ऑफ थिंग्स डू डिजास्ट्रसली गो रॉन्ग इन दिस मूवी, दो अ लॉट ऑफ थिंग्स गो वेरी राइट ऑल्सो. और येस, सो द मूवी इज़ बेसिकली चार कहानियाँ हैं अलग अलग, जो एक स्टोरी में आ जाती है. पहली कहानी जो है वो सैफ के कैरेक्टर की है, जिनको पता चलता है कि उनको कैंसर है और वो बस चंद महीनों के मेहमान हैं. सेकेंड स्टोरी जो है वो उनके भाई की है, जिनकी शादी होने वाली होती है उसी रात या उसके नेक्स्ट रात, समथिंग इन द नियर फ्यूचर. और उनको कॉल आता है उनकी एक एक्स से, और एक्स का कॉल आया तो आप क्या करेंगे, आप भाग के दौड़े चले जाएंगे. ओ हेलो, हाय हाय, यस, आर यू हियर इन दिस वीडियो? सॉरी, वो थोड़ा वो पिल पॉपिंग से थोड़ा कोई कोई आ जाता है बीच में. एंड आपने देखा क्या उनको? नहीं ना, आई डोंट नो, आई मीन शी वॉज राइट हियर. एनी वे, सो द थर्ड स्टोरी इज अबाउट टू क्रूक्स एंड जो हु आर ट्राइंग टू मेक सम क्विक मनी. और जो थर्ड स्टोरी है वो उनकी है. और फोर्थ स्टोरी है एक लड़की जो अभी उसी रात US जाने वाली है पढ़ाई करने के लिए, एंड शी गोज आउट पार्टिंग विथ हर फ्रेंड्स. और उस पार्टी में कुछ एक ड्रग रेड हो जाती है, एंड देन थिंग्स गो अ लिटिल बिट रॉन्ग फॉर हर. सो बेसिकली हर एक स्टोरी में कुछ काला कांडी हो जाती है. थिंग्स आर गोइंग फाइन फॉर दिस फोर पीपल, एंड देन उसमें बीच में कुछ आ जाता है जिससे थिंग्स जस्ट फ्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन. एंड देन व्हेन दे ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, देन यू नो दे हैव टू ट्राई एंड सॉल्व इट. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज के हर एक स्टोरी में देर इज सम मॉरल और एथिकल डायलेमा दैट द कैरेक्टर्स हैव टू सॉल्व. एंड जिस तरह से वो अपनी लाइफ को देखते हैं, जिस तरह से वो ये मॉरल और एथिकल डायलेमाज को अप्रोच करते हैं, दोज आर द इंटरेस्टिंग पार्ट्स अबाउट द मूवी. देर आर सर्टन सिचुएशंस एंड इवेंट्स इन द एंड इंटरेक्शन इन द मूवी जो मुझे बहुत ही पसंद आई. हर एक माइक्रो स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से की गई है. जैसे सैफ अली खान जो सैफ की जो स्टोरी है, विनीत आई थिंक हिज कैरेक्टर्स नेम इज, टिल द एंड हमें सुना नहीं देता उनका नाम. सो वो जो मूवी वो जो स्टोरी है, तो ही इज ऑलरेडी हाई ऑन द एसिड ट्रिप, एंड वाइल ही इज ड्राइविंग देन यू नो ही एंड हिज ब्रदर इन द कार, और उनको एक ट्रांसजेंडर से मुलाकात हो जाती है, हुम ही पिक्स अप. शी इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड ही पिक्स हर अप. लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है जो बिटवीन द प्रोस्टिट्यूट एंड सैफ्स कैरेक्टर इज जस्ट सो मार्वलसली डन. उसमें एक सॉर्ट ऑफ डिग्निटी है वो पूरी जो कि आई मीन दे आर डूइंग रियली क्रेजी थिंग्स, जो मैं आपको कहूंगी नहीं. आप मूवी में आप देखना चाहेंगे तो मूवी में आप उसी में देख लीजिएगा. लेकिन that whole story about the transvestite and Saif's character is extremely well done, and it is almost आप कह सकते हो एक तरह से वो टचिंग सी स्टोरी है, और वो मुझे बहुत पसंद आई. द सेकेंड स्टोरी अबाउट द टू हुडलम्स, ऑफकोर्स जो दो हुडलम्स है, दे आर बींग प्लेड बाई माई फेवरेट कैरेक्टर बाई माई फेवरेट एक्टर्स दीपक दोब्रियाल एंड विजय राज, दोनों बहुत ही एक्सलेंट एक्टर्स हैं. और उनकी स्टोरी में जो सटल जो शिफ्ट्स आते हैं उनके रिलेशनशिप में, जब दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं और दोनों को बहुत पैसे बनाने हैं, एंड जिस तरह से वो सोचते हैं, अप्रोच करते हैं इस प्रॉब्लम को, यू नो, एंड द वे द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम शिफ्ट्स इन एन एफर्ट टू मेक दिस मनी कैचेज यू बाय सरप्राइज, एंड यू नो यू जस्ट स्टार्ट वंडरिंग अबाउट द होल थिंग. जो थर्ड स्टोरी है अबाउट द गर्ल हुज गोइंग अब्रॉड, उसमें शहनाज ट्रेजरी वाला भी एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो छोटी वो माइक्रो स्टोरी में. शी प्लेज अ स्पॉइल्ड रिच किड हू थिंक्स नथिंग things to are nothing about you know doing drugs in a party or getting caught with like some you know drug sticks or like a marijuana stick. And then raste mein agar aap chal rahe ho aur aapne kuch you're high and you get into an accident and hit and run hota hai to aap kya karoge,
Well, according to her, you just run, you save your skin. So it is, and she does this role absolutely marvelously well. I loved her in the movie. तो हर जगह पे हर एक जो स्टोरी है उसमें जो डायलेमाज आते हैं या इसमें जो रिलेशनशिप्स में जो सटल शिफ्ट्स आती है, दोज थिंग्स आर डन एक्सट्रीमली वेल. जो भाई की स्टोरी है वो थोड़ी सी इतनी स्ट्रांग नहीं है. दैट ट्रैक इज नॉट दैट वेरी स्ट्रांग. ना जो सैफ का रोमांस है इन दी एंड, दैट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी स्ट्रांग स्टोरी. बट ये जो तीन स्टोरीज में आप मॉरल डायलेमा देखते हैं या इसमें जो आप रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से किया गया है. अनफॉर्चुनेटली, एंड हमेशा मेरे रिव्यूज में एक अनफॉर्चुनेटली या लेकिन तो आ ही जाता है, अनफॉर्चुनेटली जो ये चार स्टोरीज की स्ट्रेंथ्स है, वो यू वुड थिंक दैट यू नो द सम ऑफ द पार्ट्स वुड बिकम बिगर देन द पार्ट्स इटसेल्फ. और मूवी जो है वो अपनी इंडिविजुअल चार स्टोरीज की स्ट्रेंथ लेके उनको जुड़ के जो फाइनल एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो बनेगा वो चार स्टोरीज से बड़ा होगा, उससे बेहतर होगा. इट विल हैव दैट एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर बिकॉज ऑफ द जिंग दैट दिस फोर स्टोरीज कनेक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता है. एंड ओवरऑल इन द मूवी यू काइंड ऑफ गेट अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. एटलीस्ट मुझे थोड़ा सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हुआ. अगर आप उसको डार्क कॉमेडी कहते हैं तो उसमें उतने कॉमेडी इज या इट्स अ लिटिल सटल सॉर्ट ऑफ कॉमेडी एंड इट डजेंट बिकम बिगर देन द सम देन द पार्ट इज वॉट आई फील. एंड यू फील कि लाइक हाउ यू नो वेन सैफ इज ड्राइविंग एंड उप्स ओ हेलो, आपने भी देखी मूवी? हाँ, आई सॉ द मूवी एंड आई क्वाइट एंजॉयड इट. ओ आई सी, ओके, अनदर वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन माई एसिड ट्रिप. एंड हाँ, सो यू नो आई फील कि जैसे सैफ गेट्स दैट सेंस ऑफ आहा मोमेंट, जैसे उन्होंने वो ड्रग लिया है और ही इज ड्राइविंग 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 एंड सडनली द ड्रग हिट्स हिम एंड ही सीज डॉल्फिन्स ऑन द रोड एंड ही हियर्स म्यूजिक एंड ही गेट्स दैट सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, वो जो मुझे आनी चाहिए थी फ्रॉम द मूवी, दैट सेंस ऑफ आहा कि ओ माई गॉड दिस इज गेटिंग रियली रियली क्रेजी बाय द मिनट, वो जो सेंस मुझे आनी चाहिए थी वो मुझे नहीं आई. एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई कांट पॉइंट माई फिंगर. मैं इतनी एक्सपर्ट ना तो मैं कोई क्रिटिक हूँ, ना मैं मूवीज इतनी एनालाइज कर सकती हूँ डिटेल में, लेकिन समथिंग गोज मिसिंग. मे बी द फैक्ट इज दैट द स्क्रीन प्ले बिकम्स अ लिटिल वीक एट टाइम्स. उसमें एक मैं आपको बता दूँ कि द मूवी इज मोस्टली इन इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द हुडलम्स वाला पार्ट बिटवीन दीपक डोबरियाल एंड विजय राज, जो मोरलेस हिंदी में ही है. बाकी के सब कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा करके इंग्लिश में बात करते हैं. एंड समटाइम्स दैट स्क्रीन प्ले दैट कॉन्वर्जेशन साउंड्स मोर लाइक अ वेरी पॉश साउथ बॉम्बे पार्टी सर्किट कॉन्वर्जेशन, वेर यू नो एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी क्लेवर एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाइक मेक विटी कॉमेंट्स एंड बी वेरी स्मार्ट एंड बी वेरी कूल. उस तरह की कभी कभी उसमें फील आ जाती है, थोड़ी सी आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, विच आई गेस इज वन ऑफ द रीजन्स वाई इट डजेंट गो बिगर. एंड समटाइम्स द मूवी ट्राइज टू बी टू क्लेवर, विच इज वाई अगेन मे बी दैट सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कम्स इन टू इट. बट टू बैलेंस दैट अगेन मैं आपको कहूँ कि मूवी में देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एंड थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आते हैं स्टोरीज में वो आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड यू से ओ माय गॉड ये ऐसे कैसे हो गया. एंड सो दोज मोमेंट्स आर देयर बट आई जस्ट विश के दे वुड हैव कम टुगेदर मोर टू क्रिएट अ प्रोडक्ट विच वॉज बिगर देन दीज इंडिविजुअल स्टोरीज. मूवी में म्यूजिक जो है उसमें एक जो सॉफ्टर गाना है वो बहुत ही अच्छा है एंड इट गोज वेरी वेल टू बिल्ड द मूड. अदर देन दैट जो शादी वाला गाना है एंड ऑल दैट इज ओके, इट कुड हैव बीन डन विदाउट ऑल्सो. To come to the important question, should we see this movie or should we not see this movie? Okay, the thing is कि movie काफ़ी short है. It's I think around an hour and a half long, उससे ज़्यादा लंबी है नहीं. इंटरवल तक उसमें कुछ ज़्यादा ऐसे एक्शन होता नहीं है. द स्टोरीज टेक टाइम टू बिल्ड अप प्योरली बिकॉज दे आर वेरी सटल एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ यू नो ड्रामा इन टू द होल थिंग. Of course, after the interval, it is, you know, starts becoming much better and because they have to go towards the end, of course, or khatam karni hai. But it doesn't have that sense of being rushed into the whole thing. So it takes its time to reach the end and each story mein jo moral ethical dilemmas the characters have faced, those sort of close the loop and wo stories wahan pe achhe tarah se khatam hoti hai.
And so yes, it's not a very long movie, and if you like slightly subtle humor and seeing these kind of things which are a little hard to catch sometimes, then आप ये movie देख सकते हो. लेकिन if too much English in a Hindi movie sort of cheeses you off, sometimes it cheeses me off because मुझे लगता है artificial है, तो यहाँ पे quite natural कैसे किया है. So then that, or you feel कि उसमें ज़्यादा comedy होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही है, then you might be conflicted. So though I have overall I came out feeling ठीक थी मूवी, बट वेन आई एम टॉकिंग टू यू एंड वेन आई एम टेलिंग यू अबाउट द मूवी, तब मुझे लग रहा है कि इट इज डिफरेंट. हाउ डिफरेंट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फिल्म फ्रॉम दिल्ली बेली? आई डोंट रिमेंबर मच ऑफ दिल्ली बेली, बट वॉट आई रिमेंबर मोस्ट अबाउट दिल्ली बेली इज कि मैं वहां पे बहुत हंसी थी. द वे द कॉमेडी ओवर देयर इवॉल्व, आई वॉज लाफिंग वेरी वेरी हार्ड इन दिल्ली बेली. उस मूवी के बाद में इतना कभी हंसी नहीं हूँ वैसे आफ्टर दिल्ली बेली. इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कॉमेडी आई वुड से. दिल्ली बेली इज ऑल्सो अ डार्क कॉमेडी, बट इट वॉज एक्चुअली ऑल्सो अ वेरी सिचुएशनल कॉमेडी इन पार्ट्स. इसमें वो कॉमेडी है नहीं, इसमें इस तरह के जोक्स है ही नहीं जो आप यू नो विच आर सिचुएशनल विच बिकम लाइक काइंड ऑफ गो क्रेजी, वो नहीं होता है. आई मीन देर इज सेफ यार विद लाइक लॉट्स ऑफ लिटिल लिटिल पोनी टेल थिंग इज इन हिज हेयर एंड ही इज वेयरिंग विंग्स. मुझे अच्छी विंग्स मिली नहीं, नहीं तो मैं पहनने वाली थी आपके लिए. देन ही इज वेयरिंग विंग्स एंड ही इज गॉट दीज थिंग्स इन इज हेयर एंड यू नो थिंग्स आर गोइंग क्रेजी, बट इट डजेंट हैव द सेंस ऑफ मैडनेस दैट दिल्ली बेली हैज़ आई थिंक. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. एंड मैं उसको कितने स्टार्स दे सकती हूँ? आई एम अ लिटिल कॉन्फ्लिक्टेड एक्चुअली कि उसको कितने स्टार्स देने चाहिए. आई वुड थिंक आई वुड गो बिटवीन 2.5 and 3,000. Sorry, this is my acid trick talking again. 2.5 and 3,000 stars. Oh my God, between 2.5 and 3 stars, I would give it 3 stars. I would give it 2 stars. Oh, both of you just go away. The acid trip is wearing off. So मैं इनको बाय बाय बोल देती हूँ. मैं आप मेरा फेरी वन भी घुमा देती हूँ. आपके पास अगर 1.5 hours free है, आप थोड़ा सा एक छोटा सा पेग लगा के या एक थोड़ा सा छोटा सा ड्रैग लेके, देन इफ यू गो टू सी द मूवी यू माइट फाइंड द सिचुएशंस फनी. मुझे तो मूवी थोड़ी सी सीरियस टाइप ही हो गई फ्रॉम द वे आई एम एनालाइजिंग इट फॉर यू. सो यस, आई थिंक फॉर अ 1.5 hour वन टाइम वॉच, इट इज अ फेयरली गुड मूवी टू सी एंड इट माइट जस्ट ग्रो ऑन यू यू नो स्लोली. एंड यस, आई एम डन. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट इट. सेफ इज वेरी गुड इन द मूवी. आई लव शहनाज ट्रेजेडी वाला, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एवरीबडी एल्स ऑल्सो एक्ट्स very well and as a cast they all come together pretty well and I will see you next week hopefully. Next week pata nahi, lekin do badi badi movies soon aa rahi hai, Padman and Padmavati. Padmavat, sorry. Aur in dono ko leke main zarur aapke paas wapas aaungi. Till then please keep your comments coming and please share with your friends if you liked my review. I'll see you soon again next week. Okay, this is Smita Vyas Kumar signing off for Desi Matani for the week. See you all and bye.